तो हेलो गाइस, जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे चैनल में 1500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुका है और मेरा चैनल मोनेटाइज्ड भी हो गया है। मजा आया। तो ये सब पॉसिबल हुआ आप लोगों के प्यार से ही, तो थैंक्स अ लॉट आप सबको मेरा ये माइलस्टोन कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने सोचा है इसमें क्या किया जाए, तो मैं सोचा कि एक Q&A वीडियो बना लेते हैं इसके ऊपर। तो मैं एक कम्युनिटी डाला था कि मेरे से क्वेश्चंस पूछो Q&A वीडियो के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा अच्छा कमेंट्स किया जो मैंने पिक किया है, और इस वाले वीडियो में आप लोगों को उस क्वेश्चंस का आंसर भी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पूछते हैं सुपर टीवी हिंदी, व्हाट्स योर रियल नेम। तो बात किया जाए मेरे रियल नाम की, तो आप में से काफ़ी लोगों को पता ही होगा मेरा रियल नाम जो है वो परवेज़ है, PARVEZ, ठीक है। तो ये है मेरा रियल नाम। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि पूछा है RT एडिशन ने। भाई एक क्वेश्चन ऐसा था कि मेरे चैनल में स्टेटस एडिटिंग भी है और ट्यूटोरियल भी है, तो क्या मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा? देखो, अभी हो सकता है कि YouTube, अगर तुम्हारा खुद का कंटेंट है, पूरा चैनल अगर तुम्हारा खुद के कंटेंट का है, तो तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा बिना कोई दिक्कत की। बट अगर तुम्हारे चैनल पे मतलब किसी दूसरे का वीडियो है या फिर रिकॉर्डिंग है या फिर दूसरे किसी का फोटो है, तो तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होना मुश्किल है। और बात रही स्टेटस वीडियो की, अगर तुम्हारे पास एक स्टेटस वीडियो मतलब स्टेटस का एक चैनल है, तो भाई उसे मोनेटाइज करना भूल ही जाओ, क्योंकि स्टेटस चैनल का 1% चांस रहता है कि वो मोनेटाइज होगा, और अगर हो भी जाए तो भाई बाद में वो डीमोनेटाइज हो जाता है। तो इसीलिए स्टेटस चैनल बनाना बेकार है। अगर आपको मतलब शो ऑफ करना है कि भाई देख मेरा इतना सब्सक्राइबर्स है, तो आप कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि पूछा है मिस्टर शोहेब टेक। भाई वीडियो के टॉपिक नहीं मिल रहा है, क्या करूँ? अच्छा, वीडियो का टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो भाई तुम एक सिंपली सी बात तो एक सिंपल काम कर सकते हो, वीडियो में मतलब यूट्यूब में जा सकते हो या फिर विडाई क्यू इंस्टॉल कर लो। विडाई क्यू में क्या होता है मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। विडाई क्यू में एक इधर सेक्शन होता है मतलब टॉपिक्स बोल के, डेली आइडियाज़ बोल के, ठीक है। तो मेरा देख लो, ये अभी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये तुम्हें डेली आइडियाज़ देता रहता है कि तुम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ। तो तुम विडाई क्यू इंस्टॉल कर सकते हो, जो तुम्हें रोज़ रोज़ टॉपिक्स बताता रहेगा, और तुम उस टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना सकते हो। या फिर तुम्हें काम कर सकते हो, यूट्यूब ओपन कर सकते हो, फिर उधर सर्च लिस्ट में जा सकते हो, इकोग्निटो ऑन करके करना, सर्च लिस्ट में जा सकते हो और उधर लिख देना हाउ टू, फिर यूट्यूब लिख देना, फिर जो जो तुम्हारे नीचे आएगा उन सब के ऊपर तुम वीडियोस बना सकते हो, अगर तुम्हारा चैनल इस कैटेगरी में है। फिर अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओम जायसवाल ने पूछा है अपना जर्नी बताओ 0 to 1.5 3K सब्सक्राइबर्स, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो अभी शॉर्ट में बोल देते हैं। तो क्या हुआ, मैंने 11 जनवरी 2000 मतलब 21 को तो चैनल ओपन किया, बट उससे 3-4 महीना पहले से मैं इस मतलब ऐसा मतलब सोच के जाता था कि मेरे को एक चैनल ओपन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता था, पहले किसी को ना बता के वीडियोस बनाता था, उसको एडिट करके रखता था। तब इतना पता नहीं था कि SEO क्या होता है, क्या क्या होता है। आप अगर मेरा पुराना वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस कैटेगरी के ऊपर था। मैं था कि एप्लीकेशंस कैसे फ्री में डाउनलोड करते हैं, तो मैं इस कैटेगरी के ऊपर वीडियो बनाता था। अभी टेक कैटेगरी में मैं रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ। तो क्या है, मैं वीडियोस बनाता गया, फिर मैंने देखा कि भाई 20-22 वीडियोस बन चुके हैं। तो मैं सोचा कि भाई अभी मेरे को एक YouTube चैनल खोल लेना चाहिए, क्योंकि इतना बैकअप में रख रहा हूँ, हो सकता है किसी कारण के लिए डिलीट हो जाए तो बाद में मेरा ही प्रॉब्लम होगा। तो मैं सोचा कि YouTube चैनल खोल लेना चाहिए, तो मैंने खोला 11 जनवरी 2021 को अपना चैनल डिजिटल बॉडीगार्ड। फिर खोलने के बाद वीडियोस डालता गया, पता नहीं चल रहा था कि कैसे डालना है, कब डालना है। तो मैं ऐसे ही नॉर्मली रैंडमली डालता गया, 8 बजे 9 बजे, एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, ऐसे डालता गया। फिर मेरा व्यूज़ आता था 5, 6, 4, 3, किसी किसी पे 9 व्यूज़, पूरे दिन में 20-10 ऐसे वीडियोस मतलब ऐसे व्यूज़ बनता है टोटल में, ये बताया 20-30। फिर अचानक से मैं अपना एक वीडियो बना रहा था कि हाउ टू डाउनलोड GTA San Andreas फॉर फ्री। फिर तब मेरा भैया मेरे पास में बैठा था, वो मेरे को बताया कि भाई ये सब वीडियो क्या बना रहे हो, सैन एंड्रियास सब खेल चुके हैं, बहुत पुराना गेम हो चुका है, कोई नहीं देखेगा तुम्हारा वीडियो। मैं बोला ठीक है देखते हैं, ठीक है। फिर मैं ऐसे मतलब उसको स्किप कर गया, ऐसा कुछ जब होता है मैं उसको स्किप कर जाता हूँ, उतना कान नहीं देता हूँ, तो मैं उसको स्किप कर गया। फिर मैंने वीडियोज़ अपलोड किया, देखा कि 40-50 व्यूज़ आया है। मैं सोचा ठीक है, थोड़ा मतलब दूसरे वीडियोज़ से तो ज़्यादा ही आया है। मैं बोला ठीक है, मैं बोला भैया ये देखो देखो मेरा इस वाले वीडियो पे ही ज़्यादा व्यूज़ आया। मैं बोला ठीक, भैया बोला ठीक है बढ़िया है, फिर वीडियो बनाते रहो।
फिर मैंने बनाते गया फिर मैं सोचा कि भाई मैं ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरा फेस वैल्यू कहाँ पर बनेगा। मैं सोचा कि मेरे को एक सेटअप ख़रीदना है, छोटा सा सेटअप मैंने ख़रीदा जो कि एक ग्रीन स्क्रीन और एक लाइट ख़रीदा था मैंने, बस वो चीज़ डिजिटेक का कोई भी सामान नहीं था आप लोग जो सोच रहे हैं, ठीक है। बस एक ग्रीन पर्दा ख़रीदा था और एक लाइट ख़रीदा था। फिर मैंने सोचा चलो अब फेस कैम वीडियोज़ डालते हैं। फिर मैंने डाला टेक कैटेगरी के ऊपर, मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर, फ़ोन में कैसे क्या होता है, फ़ोन का टेम्पर्ड ग्लास कैसे होता है, ऐसे ऐसे वीडियोज़ मैं डालता गया। फिर मैं डालते डालते एक दिन देखा, मैंने रात को सोया, फिर सुबह उठ के देख रहा हूँ मेरा जो GTA San Andreas वाला वीडियो था, उतना पुराना वीडियो, उसमें भाई मतलब 300-400 व्यूज़ आ गया। और तब 300-400 व्यूज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा, इतना खुशी हो रहा था कि 300-400 व्यूज़। फिर मैं बोला कि भाई ये वीडियो मतलब 500-600 तो टच कर ही जाएगा। तब मेरा भैया मेरे पास नहीं था, वो चला गया था। फिर मैंने उसको व्हाट्सअप में बात किया, फिर बोला ये देखो इतना वीडियो ऐसा परफॉर्म कर रहा है। फिर भैया ने बोला कि तुम्हारा ये वीडियो 1K टच करेगा। मैं सोचा फट ऐसा थोड़ी होता है, 1K थोड़ी टच करेगा, मैंने तो अभी अभी YouTube ओपन किया है। फिर मैंने देखा हाँ कि वो 1K भी टच कर गया। फिर 1K टच करते 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 आज वो 110K पे चल रहा है, ठीक है। अभी आप समझ ही जाओ, अगर उस दिन मैं डिमोटिवेट होकर वो वीडियो ना बनाता तो आज मेरा चैनल मोनेटाइज ना होता, क्योंकि उसमें 1,00,000 से ज़्यादा व्यूज़ आया है। और वही चैनल मतलब 2,500 घंटा उसी वीडियो से मुझे मिला है, 400-500 सब्सक्राइबर उसी वीडियो से मुझे मिला है, पूरा जो मेरा चैनल है 50% वही वीडियो मेरा खींच के दिया है। तो ऐसे ही आपको भी वीडियोस बनाते रहना, ऐसा नहीं सोचना है कि कौन सा वीडियो वायरल जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, ऐसा आपको नहीं सोचना है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, जो कि है DST डेविल बॉय ने पूछा है, भाई तुम क्यों यूट्यूब चैनल खोलने का डिसीजन लिया? मैं ऐसे मतलब खोलने का डिसीजन लिया कि मैं मतलब सोचता था कि देखता हूँ अगर किसी प्लेटफॉर्म में मेरा फेस वैल्यू बन जाए, मैं कुछ सिखा पाऊँ लोगों को, मेरा जो नॉलेज है वो शेयर कर पाऊँ, इसीलिए मैंने मतलब यूट्यूब चैनल ओपन किया था, कोई खास रीज़न वैसा नहीं था। हाउ मच सब्सक्राइबर इंक्रीज इन 1 डे? एक दिन में कितना सब्सक्राइबर बढ़ता है? 3 से 11 बढ़ जाता है भाई, मतलब 3 सब्सक्राइबर से 11 सब्सक्राइबर के अंदर हो जाता है। कभी कभी एक भी नहीं बढ़ता है, कभी कभी एक दिन में 10 बढ़ जाता है, कभी कभी एक दिन में 2 बढ़ता है, सब चलता रहता है, मतलब ये फिक्स नहीं होता है। टेक्निकल गेमिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टेक्निकल गेमिंग ने, भाई तुम यूट्यूब में कितना टाइम स्पेंड करते हो, प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन। तो अभी का सीन बताओ तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो बनाने के लिए आधा घंटा एक घंटा निकाल लेता हूँ अपने किसी भी टाइम पे। तो अभी जैसे बज रहा है 11:15, ठीक है, तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, देखो 11:15 बज रहा है, तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि बना के मैं एडिट करूँगा ना, तो मैं इसको कल धीरे 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 एडिट करूँगा। मेरा कल का वीडियो आज एडिट नहीं हुआ, तो मैं ये कल का वीडियो को धीरे 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 एडिट करके कल तक मैं अपलोड कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम YouTube लेके पड़ा रहता है, ऐसा नहीं। आपका चैनल मोनेटाइज हुआ अभी? नहीं, हाँ मेरा चैनल कल मोनेटाइज हो गया था, कल यानी 23 जून 2021 को मोनेटाइज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ब्रो में जो कि पूछा है SSP गेमिंग ने, ब्रो मैं अपना लैपटॉप में विंडोज 11 लगा सकता हूँ आफ्टर रिलीजिंग, आई हैव विंडोज 10। हाँ, तुम आफ्टर रिलीजिंग की बात करो, रिलीज़ होने के बाद तुम लगा सकते हो, बट अगर रिलीज़ नहीं हुआ और तुम लीक्ड वर्जन लगाते हो तो तुम्हें दिक्कत आ सकता है। तो मैं प्रेफर करूँगा आने दो, 2 दिन रुक जाओ फिर लगाना। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि पूछा है क्लैश एक्सपेरिमेंट ने, कोलकाता से पहले किधर रहते थे और कौन सी स्कूल में पहले और अभी पढ़ते हो? तो भाई कोलकाता से पहले मैं मुर्शिदाबाद बहरमपुर में रहता था, बहुत लोग को पता होगा बहुत लोग को पता नहीं होगा, मुर्शिदाबाद में मैं रहता था। पहले मैं डॉन बॉस्को मुर्शिदाबाद में पढ़ता था, और अभी तो कोलकाता में पढ़ता हूँ, बट कौन सा स्कूल वो नहीं बता सकते अभी। उसने भाई ने और भी क्वेश्चन पूछा है, यस एंड यस वन मोर क्वेश्चन, हाउ डिड यू गेट 1.5 सब्सक्राइबर एंड ऑल्सो व्हाट्स योर एज? इट्स नंबर 1 इट। अच्छा, तो भाई बात करते हैं 1.5 के सब्सक्राइबर कहाँ से मिला, जो कि है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को वायरल वीडियोस से मिला है। सैन एंड्रियास वाला वीडियो से 300-400 मिल गया है, और एक वीडियो था जो कि उस पर 14K व्यूज़ आया है, उससे भी मेरे को 200-300 सब्सक्राइबर मिल चुका है। और ऐसे दिन का बढ़ता रहता है, और भी छोटा मोटा वीडियोज़ वायरल जाता रहता है, तो उससे कम्प्लीट हो गया मेरा। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दिव्यांश सैनी ब्लॉग्स, 1K सब्स के बाद क्या रिएक्शन था आपके फैमिली
का एंड आपको अपना नेम चेंज करना हो परवेज की जगह, तो क्या रखोगे? देखो 1K के बाद कैसा रिएक्शन था इसकी बात करें तो कुछ खास नहीं, मेरे को अंदर ही अंदर अच्छा लग रहा था कि भाई 1K पीपल ने सब्सक्राइब किया है। घर में भी मैंने बोला मम्मी देखो हो गया, तो उतना कुछ खास नहीं था, नॉर्मली जैसा चल रहा था वैसे ही चला। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि पूछा है कार्टून वर्ल्ड हिंदी ने, डू यू हैव फुल सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली फॉर डूइंग यूट्यूब एज अ फुल टाइम करियर और टेम्पोरेरी? टेम्पोरेरी करियर। और बात करते हैं वीडियोस बनाने की, तो कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलता है ठीक है वीडियोस बनाने के लिए। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि पूछा है अरित्रो सरकार ने, ब्रो आपके पापा क्या करते हैं एंड आप कहाँ से एक्चुअली बिलोंग करते हैं? देखो इस चीज़ को बोलते हैं दोस्ती। मतलब ये मेरा क्लासमेट है, जब मेरा मतलब फर्स्ट Q&A आया था मैं बोल रहा था कि भाई कमेंट्स कम आया मैं क्या करूं, तो भाई ने मेरे चैनल पे 2-3 क्वेश्चन पूछे थे ताकि मेरा वीडियो लॉन्ग बन जाए, तो अभी भी भाई ने सेम ही चीज़ अप्लाई किए है, इसको सब पता है बट फिर भी ये पूछते हैं दोस्ती के खातिर। तो कोई ना भाई, आप लोगों को तो पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, ब्रो आपके पापा क्या करते हैं, वो एक बिजनेसमैन है एंड आप कहाँ से एक्चुअली बिलोंग? कोलकाता से। सबको ही पता है, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि पूछा है अनुष्मिता द कन्फ्यूज्ड हेड ने, विच सब्जेक्ट इज योर फेवरेट, व्हाट इज योर ड्रीम जॉब, सजेस्ट मी अ गुड लक। अच्छा तो बात करते हैं फेवरेट मतलब मेरा सब्जेक्ट के बारे में, तो फिजिक्स थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, फिजिक्स कंप्यूटर ये सब थोड़ा बहुत अच्छा लग जाता है। अभी बात करते हैं ड्रीम जॉब के बारे में, तो ऐसा कुछ खास नहीं है, UPSC सोच रहा हूँ कि क्रैक कर लूँ जो भी है। अभी बात करते हैं सजेस्ट मी अ गुड लैपटॉप, तो तुम्हारा बजट बताना पड़ेगा मुझे, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में DM करो आपका बजट बता दो। अगर 30 से 40K के बीच में है तो देख पा रहा हूँ कि आपका एक चैनल है, तो एक काम कर सकते हो तुम लेनोवो HP फिर डेल वगैरह उतना मैं सपोर्ट मतलब उतना मैं नहीं बोलूँगा, डेल वगैरह में एडिटिंग कुछ खास नहीं होता है, 30 to 40K है तो आसस आ जाता है, फिर HP आ जाता है वगैरह वगैरह आ जाता है। अगर एडिटिंग करना है तो गेमिंग लैपटॉप बेस्ट है। तो यही था YouTube का क्वेश्चंस। अभी बात कर लेते हैं Instagram पे क्या क्या क्वेश्चंस आया था, तो वो भी क्वेश्चंस मैं पिक करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आया है वो पूछा है चेतन भाई ने, शॉर्ट वीडियो का वॉच टाइम काउंट होता है? भाई बात करें तुम्हारी शॉर्ट वीडियो की, तो शॉर्ट तुम्हारा इधर जो फोटो है ना वो मेरा कट गया है ठीक है, तो मेरे को जितना लग रहा है तुम शॉर्ट वीडियो वॉच टाइम के बारे में बात कर रहे हो काउंट होता है कि नहीं, तो शॉर्ट वीडियो का अभी काउंट नहीं करता है YouTube मोनेटाइजेशन के लिए। शॉर्ट वीडियो इसलिए काम आता है तुम्हारे चैनल को बूस्ट अप करने के लिए, शॉर्ट वीडियो अपलोड करोगे तो उसमें मतलब सजेशन ज़्यादा जाता है और उससे तुम्हारा चैनल बूस्ट भी हो जाता है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि पूछा है धीरज परज ने, आपका नेम परवेश है या परवेज? परवेज है भाई, PARVEZ। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि पूछा है आदित्य कुमार 101 ने, भाई मेरा स्टडी चैनल है अभी 233 सब्सक्राइबर है, 100 सब्सक्राइबर कैसे होंगे? भाई बात करें 100,000 सब्सक्राइबर कैसे होगा, तो तुम बस रेगुलरली काम किया करो, एक ना एक दिन कंप्लीट हो ही जाएगा, कोई ना कोई वीडियो तुम्हारा वायरल जाएगा, मतलब तुम्हें बस रेगुलरली काम करना पड़ेगा, या फिर मेरे भी चैनल पे बहुत सारा वीडियोस है तुम जाके देख सकते हो। वॉच टाइम और सब्सक्राइबर 1 ईयर करना होगा वरना मोनेटाइज नहीं होगा, बोलो। देखो अभी इसके बारे में बात करते हैं कि मोनेटाइज होगा कि नहीं अगर तुम्हारा 1 साल में कंप्लीट नहीं होता ना, ऐसा कोई बात नहीं, तुम इस साल भी कर सकते हो, 1 साल में भी कर सकते हो, 5 साल में भी कर सकते हो, 6 साल में भी कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना के रखा है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वॉच टाइम सब्सक्राइबर इन 1 ईयर नॉट कम्प्लीटेड बोल के कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, मैंने लिख के समझाया है तुम लोगों को, तो तुम लोग वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो बस आज के इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, मतलब तो आप सबको दिल से शुक्रिया मेरा 1500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए और इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए। तो बस आज के इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन दबा देना, और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है या फिर इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके मेरे को पर्सनली DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ट्विटर दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लेना। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल कंटेंट।